अगला सवाल, वैसे भी खत्म क्यों नहीं हो रहा है सवाल? और ड्रोसोफिला से हर साल सवाल आता है, ठीक है, यू कांट स्किप ड्रोसोफिला। जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है ना, उससे हर साल सवाल बनता है, क्योंकि यही तो टॉपिक है, यहीं से तो सवाल बनेंगे। ड्रोसोफिला, सी एलिगन, फ्रॉग, ठीक है, सी आर्चिन, इन सबसे हर साल सवाल जो है बनने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। मुबासिर, अभी कितने क्वेश्चन बाकी हैं? चेक, अभी भी काफी सारे, 1 2 3 4 5 6, अभी भी 6 क्वेश्चंस हैं। चलो देखते हैं क्या बोला गया है। एंटीनापीडिया प्रोटीन एक्सप्रेस इन द थोरेसिक सेगमेंट ऑफ फ्लाई एंड नॉट इन द हेड रीजन, ठीक है। However, a dominant mutation of antennapedia replaced the antenna with the leg structure. Okay, हमने ये केस भी देखा है। Next, following statement were made with reference to the antennapedia. कुछ स्टेटमेंट बोले गए हैं, आपको करेक्ट पिक करना है। पहला, in dominant antennapedia mutant, the antennapedia gene is expressed in the head as well as in the thorax. क्योंकि डोमिनेंट म्यूटेशन हुआ है तो देखने को क्या मिलता है कि ये हेड में तो एक्सप्रेस करता ही है, साथ ही साथ थॉरेक्स में भी करता है, इसीलिए हेड पे जो है, हेड सॉकेट पे 2 लेग्स चले आते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये हमने केस भी देखा था, ये हमने आज ही पढ़ा है कि हेड के साथ साथ थॉरेक्स में भी एक्सप्रेस होता है। नेक्स्ट, इन एंटीनापीडिया म्यूटेंट द एंटीनापीडिया जीन इज एक्सप्रेस इन द हेड रीजन ओनली एंड दस प्रमोट लेग लाइक स्ट्रक्चर इन हेड सॉकेट। नहीं, आप हेड एज वेल एज थॉरेक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं तो खाली हेड वाले ऑप्शन को कैसे आप पिक करेंगे? गलत। ये ए का ही कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है बी, तो बी गलत हो गया। बी गलत हो गया तो थर्ड ऑप्शन गया, फोर्थ ऑप्शन भी गया, और आप डी को भी बिना पढ़े हटा सकते हो, बिकॉज बचे हुए ऑप्शन में डी बचा ही नहीं है। डी में क्या बोला है, एंटीनापीडिया हैज नो रोल इन थॉरेक्सिक रीजन स्पेसिफिकेशन एंड दस रिसेसिव एंटीनापीडिया म्यूटेंट शो नो फिनोटाइप। रिसेसिव म्यूटेशन में कोई फिनोटाइप नहीं मिलता भाई, रिसेसिव म्यूटेशन में हमको T2 सेगमेंट में एंटीना मिल जाता है, राइट? तो ये गलत स्टेटमेंट बोल दिया, इसलिए हट गया है। अब सी देखते हैं। सी में बोला, इन एडिशन टू प्रमोटिंग द थॉरेसिक स्ट्रक्चर एंटीनापीडिया प्रोटीन बाइंड टू एंड रिप्रेस द इनहेंसर ऑफ होमोथॉरिक्स एंड सम अदर जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीना स्पेसिफिकेशन। बिल्कुल सही बोला है कि हमने ये देखा था कि एंटीनापीडिया जीन जो है कि T2 सेगमेंट पे एंटीना बनाने को रिप्रेस कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ और भी जीन्स को ये रिप्रेस कर रहा था, उनमें से एक जीन्स थी होमोथॉरिक्स, ठीक है, जो कि एंटीना को बनने से रोका जा रहा था, राइट? होमोथॉरिक्स को अगर इनहिबिट करोगे तो एंटीना नहीं बनेगा, तो इसी जीन को जो है एंटीनापीडिया जीन एक्चुअल में रिप्रेस कर रहा है। एक और जीन थी, मुझे नाम कोई बताएगा, एक और जीन कौन सी थी? यस, आईलेस थी, बिल्कुल सही, दैट इज आईलेस भी थी, तो उसका नाम इन्होंने यहाँ डाला नहीं है, लेकिन आईलेस थी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सही हो गया, ठीक है हेमलता जी, इसके बाद ब्रेक दे देंगे। तो आपका ए सही हो गया, सी सही हो गया, सो वी कैन गो विद द सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल आईलेस, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छे से आप लोग को याद हो गया फिर तो, है ना। चलो तो ब्रेक चाहिए कुछ बच्चों को, बच्चों को ब्रेक चाहिए, 2 मिनट का मौन व्रत लेते हैं, उसके बाद फिर शुरू करेंगे बकबक करना। पहले आप लोग अपने में डिसाइड कर लो, ठीक है, कुछ बोल रहे हैं ब्रेक चाहिए, कुछ बोल रहे हैं ब्रेक नहीं चाहिए।
डिनर भी है, देखिए डिनर भी है मैम, फिर उसके बाद क्लास भी है मैम, ठीक है चलो शुरू करते हैं। हेमलता जी उम्मीद करती हूँ आपका जो भी काम है वो हो चुका होगा, कंटिन्यू करिए। ठीक है चलिए अगला सवाल 23 क्वेश्चन हो गए, हे भगवान, यानी इससे क्वेश्चन ज्यादा है। मेरा कैलकुलेशन स्टार्टिंग में गड़बड़ हो गया था, मैंने क्या कैलकुलेशन कर लिया था। ओ सही बोल रहा हूँ आप, आई थिंक देयर वाज अ 48 स्लाइड्स, उसके अकॉर्डिंग लिखे तो 20 प्लस क्वेश्चन है, 48 या पता नहीं 47। चलो कंटिन्यू कर दिया भाई, कंटिन्यू कर दिया, चलो करो क्वेश्चन। ये सुष्मिता जी मेरे मुंह से गलती से निकल गया, अब क्या बच्चे की जान लेंगी, हमने कहा तो हमसे काउंटिंग मिस्टेक हो गया। ओके चलो आंसर बताओ क्या बोला गया। देखिए द कंटिन्यूड एक्सप्रेशन ऑफ इनग्रेल्ड एंड विंगलेस इज मेंटेन्ड बाय द इंट्रैक्शन बिटवीन द इनग्रेल्ड एंड विंगलेस एक्सप्रेसिंग सेल। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन टुवर्ड द इनिशिएशन ऑफ कैस्केड ऑफ इवेंट दैट अकर फॉर दिस इंट्रैक्शन। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। पहला, the ingrained gene is expressed in a cell where neither even skipped nor Fuchs terrazzo is active। ये तो उल्टा बोल दिया, ये दोनों तो active रहते हैं ना जब ingrained express होता है। गलत, ए गलत, तो फिर ये भी गलत, ये भी गलत, right? बी देखते हैं, the wingless gene is expressed in those cell that contain high concentration of even skip and Fuchs terrazzo। क्या ही बकवास किए जा रहे हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, पे स्लॉपी पेयर जीन्स वहां पे एक्टिवेट हो रखी होती हैं, इवन स्किप फुसी टराजो इनग्रेल को करवाती हैं, तो ये भी गलत, बी गलत, तो फिर ये भी गलत। अब देखो ऑटोमेटिकली फोर्थ ऑप्शन बाकी रह गया, ऑप्शन दो ही पढ़ा है आपने लेकिन सही ऑप्शन पे आप पहुंच गए हो। सी में क्या बोला है, विंगलेस इज अ सिक्रीटेड प्रोटीन, यस, डिफ्यूज टू द सराउंडिंग सेल, यस, बाइंड विद द फ्रिजल्ड, यस, एंड एलआरपी 6 रिसेप्टर। एलआरपी 6 रिसेप्टर मैंने यहां मेंशन नहीं किया लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमने जब WNT सिग्नलिंग पढ़ा था तो वहां पे एलआरपी 6 रिसेप्टर जो है एज अ को रिसेप्टर काम कर रहा था। ऑल्दो ड्रोसोफिला में वो जो बड़ा वाला डायग्राम था ना जिसको मैंने आज गिलबर्ट से डायरेक्टली कंसल्ट करके पढ़ाया, उस बड़े वाले डायग्राम के साथ मैंने एक पैराग्राफ पेस्ट किया है, उस पैराग्राफ को रीड कीजिएगा, वहां पे आपको ये स्टेटमेंट इजिली देखने को मिल जाएगा क्योंकि उसको वहां भी मेंशन किया गया है, एलआरपी 6 के बारे में भी मेंशन किया है, नोट्स में भी मेंशन है अगर आप देखेंगे तो। तो यस, विंगलेस प्रोटीन फ्रिजल से बाइंड करता है और उसका कोरिसेप्टर एलआरपी 5/6 दोनों में से कोई भी रह सकता है प्रोटीन, एंड एक्टिवेट द इनग्रेल्ड जीन विया द आर्माडिलो। बिल्कुल सही, फ्रिजल से जो है विंगलेस बाइंड करता है और सेल के अंदर इनग्रेल्ड जीन का एक्टिवेशन करवाता है विद द हेल्प ऑफ आर्माडिलो जो कि बिल्कुल बीटा कैट की तरह काम करता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, True. बिल्कुल LGR भी था, बिल्कुल सही बोला आपने। नेक्स्ट डी देखिए, हेजहॉग प्रोटीन एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इनग्रेल्ड। हेजहॉग कब से इनग्रेल्ड का ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट करने लगा भाई, ये किसको एक्टिवेट करता है, ये क्यूबिटस इंटरप्टर्स को एक्टिवेट करता है जिसकी मदद से विंगलेस बनता है, इनग्रेल्ड नहीं बल्कि इनग्रेल्ड बनने वाले सेल के अंदर जो है हेजहॉग बनता है। तो ये पूरा उल्टा बोल दिया है।
लास्ट देखिए हेजॉग प्रोटीन डिफ्यूज फ्रॉम अ सेल यस बाइंड टू द पैच रिसेप्टर ऑन द नेबरिंग सेल यस एनेबल द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ विंगलेस जीन यस एकदम सटीक ऑप्शन देके रखा है राइट तो ये आंसर हो गया आपका सी एंड ई दैट इज फोर्थ ऑप्शन चलिए मैं एक बार बता देती हूँ फिर भी अगर कुछ बच्चों को जो है दिक्कत अगर आ रही हो तो लेट मी चेक यस लुक एट दिस यहीं पे स्टेटमेंट दिया गया है ये देखिए Wingless protein is bounded by Fzd and LRP6 receptor protein, which enable the activation of ingrained gene via the WNT signaling transduction pathway. ठीक है ये चीज यही बोली गई है दूसरा देखिए Hedgehog protein diffuses from these cell and bind to the patch receptor protein on the neighboring cell. पूरा copy paste कर दिया गया statement. तो कुछ नया आप नहीं पढ़ रहे हो इसी का ये जो explanation है उसी explanation में ये सारे statement दिए गए हैं ठीक है चलो अगला सवाल ओके चलो आंसर बताओ काफी इजी सा क्वेश्चन है ये तो देखते हैं क्या बोला गया तो यहाँ पे कुछ एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस रिलेटेड कुछ म्यूटेशन केस डिस्कस किए गए हैं आपको मैच द फॉलोइंग करना है ठीक है अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि कुछ जीन आप भूल गए हो क्योंकि बहुत सारी जीन है तो ऑलवेज स्टार्ट विद द वेरी नोन जीन जाने पहचाने वाले हीरो जीन के साथ शुरू कीजिए अब मैं अगर यहां देखू तो मुझे दो हीरो जीन दिख रहे हैं एक है टॉर्सो एक है बाइकॉइड तो पहली मेरी कोशिश होगी कि मैं इसके थ्रू देखूं मेरे पास आंसर मिल पा रहा है या नहीं फिर बाकी दो के लिए मैं क्रॉस चेक कर सकती हूँ तो बाइकॉइड अच्छा यहां बोला है नो एब्डोमेन नो पोल सेल डिफेक्टिव वूजेनेसिस हेड एंड थॉरिक्स डिलीटेड नो टर्मिनी तो देख के मुझे समझ में आ रहा है कि टॉर्पीडो अगर म्यूटेट हो गया तो टर्मिनी नहीं बनेगा हेंस ए का फोर्थ हो गया और अगर बाइकॉइड म्यूटेट हो गया तो हेड एंड थॉरिक्स डिलीट हो जाएंगे यानी डी का हो गया थ्री अब मैं पहले कोशिश करूंगी कि इन तीनों से क्या मैं सही ऑप्शन पे पहुंच पाती हूँ ए का फोर देखिए सिर्फ थर्ड में है और किसी में नहीं है और डी का थ्री भी सिर्फ थर्ड ही में है और किसी में नहीं है ठीक है लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि आपको सब कुछ याद रहे ऑस्कर हमको पता है ऑस्कर क्या कर रहा था ऑस्कर नैनोज को पोस्टीरियर में पकड़ के रख रहा था राइट तो अगर ऑस्कर का म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा ऑस्कर का अगर म्यूटेशन हो जाए तो नैनोज वहां मिलेगा नहीं हेंस एब्डोमेन या पोलसेल नहीं बनेंगे तो सी का जो है वो हो गया मैच वन अब इसके बाद हो गया वासा तो वासा में भी क्या होगा वासा के केस में भी अगर वो म्यूटेट होता है तो एब्डोमेन नहीं बनेगा राइट लेकिन अब ये फिर से क्लैश हो गया तो आपको मैंने एग्जांपल बताया था कि जब कोई चीज क्लैश होती है तो उसके साथ कैसे डील करते हैं कि अगर मैं रोटी और चावल दोनों खा सकती हूँ लेकिन मेरा फ्रेंड सिर्फ रोटी खाता है तो आई विल कॉम्प्रोमाइज विथ रोटी मैं उसको रोटी दे दूंगी मैं खुद चावल खा लूंगी राइट वैसा वाला केस हो गया यहाँ पे कि भाई नो एब्डोमेन वाला जो रिजल्ट है वो ऑस्कर के साथ भी है वासा के साथ भी है लेकिन डिफेक्टिव वूजेनेसिस वाला केस सिर्फ वासा के साथ है सो आई विल गो विथ बी दैट इज सेकेंड राइट तो वी कैन गो विद द थर्ड ऑप्शन अगला सवाल यस ये डिपेंड करता है आपको कितने जीन याद है हो सकता है आपको चारों के चारों याद हो हेंस कंफ्यूजन ही नहीं होगा लेकिन फिर भी चारों याद नहीं है तो जो गिवन ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं ऐसे
ओके चलिए बताइए क्या होगा आंसर। बोला गया है इन अर्ली क्लीवेज स्टेज ऑफ वाई टाइप ड्रोसोफिला एम्ब्रियो इज इंजेक्टेड विद द बाइकोइड एमआरएनए एट द पोस्टीरियर पोल, यानी वाइल्ड टाइप में आपने बाइकोइड को पोस्टीरियर पोल में डाल दिया, क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, दो हेड बन जाएगा, एक एंटीरियर में और एक पोस्टीरियर में। ऐसा सवाल कुछ 2011 में आया था, लेकिन वहां तीन कंडीशन थे, यहाँ पे एक ही कंडीशन से काम चला दिया इन्होंने। बोला हेड स्ट्रक्चर डेवलप एट पोस्टीरियर पोल व्हाइल द सेम इज इनहिबिटेड एट एंटीरियर पोल। एंटीरियर पोल पे इनहिबिट क्यों होगा? नेक्स्ट, हेड स्ट्रक्चर फॉर्म एट बोथ पोल। यस, बोथ पोल यानी एंटीरियर भी पोस्टीरियर भी। हेड स्ट्रक्चर आर नॉट फॉर्म्ड, ऐसे कैसे? डुप्लीकेशन ऑफ यूजुअल पोस्टीरियर स्ट्रक्चर अकर, नो, सो वी कैन गो विथ सेकेंड ऑप्शन। अगला सवाल, try this question, give me a second. Okay guys, answer. क्या बोला गया है? Let's see. क्वेश्चन में बोला गया है द डॉर्सल प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन जनरेटिंग द डीवी पोलैरिटी ऑफ ड्रोसोफिला। द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेयर मेड रिगार्डिंग द एक्टिविटी ऑफ अ डॉर्सल जीन इन एस्टैब्लिशिंग द डीवी पोलैरिटी। ठीक है, आपको क्या पिक करना है? करेक्ट ऑप्शन पिक करना है। पहला है इन एम्ब्रियो दैट लैक गार्कन प्रोटीन द डॉर्सल प्रोटीन इज नॉट ट्रांसलोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ फॉलिकल सेल विच देन कॉजेज वेंट्रलाइजेशन ऑफ द एम्ब्रियो। ये कौन सा वेंट्रलाइजेशन है जो बिना डॉर्सल प्रोटीन के चल रहा है? गलत। डॉर्सल अगर नहीं रहता है तो उस टाइम पे गार्कन अगर नहीं रहता है तो डॉर्सल प्रोटीन जो है डॉर्सल साइड में प्रेजेंट फॉलिकल सेल के न्यूक्लियस में चला जाता है, तब जाके वेंट्रल बनता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये गलत। तो देखिए ये गलत, ये गलत, बच गया ये दो ऑप्शन बी सी एंड सी डी। सी कॉमन है, हेंस हर हाल में हमको पता है सी सही होगा। सी में क्या बोला है? इन एम्ब्रियो दैट लैक कैक्टस प्रोटीन द डॉर्सल प्रोटीन कैन बी फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल विद द वेंट्रल फेट। बिल्कुल सही, अगर कैक्टस जो है नहीं रहे तो डॉर्सल प्रोटीन फटाफट से उसे फ्री ही रहेगा वो, और वो वेंट्रल मतलब की सेल के अंदर एंट्री ले लेगा और उसको वेंट्रल में चेंज कर देगा। ट्रू। नेक्स्ट देखिए, डी में बोला गया है यहाँ पे कि थ्रू डॉर्सल प्रोटीन, दो डॉर्सल प्रोटीन एक्ट एज अ मॉर्फोजन। यस, इट इज फाउंड थ्रू आउट द सिंसिटियन ब्लास्टोडर्म ऑफ अर्ली ड्रोसोफिला एम्ब्रियो। बिल्कुल सही, ट्रू। हमने ये चीज पढ़ी थी डॉर्सल जीन के डिस्क्रिप्शन में, पूरा का पूरा जब डिस्क्रिप्शन पढ़ा था तो। नेक्स्ट, इफ अ डॉर्सल प्रोटीन इज ब्लॉक्ड फ्रॉम एंटरिंग द न्यूक्लियस द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग द डॉर्सल सेल टाइप आर नॉट ट्रांसक्राइब्ड। ऐसे कैसे भाई? अगर आप डॉर्सल को ब्लॉक कर दो ना, न्यूक्लियस में एंट्री ना लेने दो, तो वेंट्रल स्पेसिफाइंग जीन्स को ब्लॉकेज मिल जाएगा, डॉर्सल स्पेसिफाइंग जीन एक्टिवेट हो जाएंगे। उल्टा बोल दिया इन्होंने स्टेटमेंट में, इसलिए ये गलत हो गया। सो वी कैन गो विथ बी एंड सी, राइट? तो हमारा हो गया सेकेंड ऑप्शन। अगला सवाल, जल्दी जल्दी करो, अगली भी क्लास है आपकी, इसको हमें आज कंप्लीट कर लेना है। अरे भाई, वो सेक्स डिटरमिनेशन क्वेश्चन अभी तक पेंडिंग है ना, चलो उसे भी कर लेंगे, टेंशन ना लो, चार ही तो क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं।
पड़ी जी बढ़िया है। ओके चलिए आंसर बताइए। बोला द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेर मेड रिगार्डिंग द पैटर्निंग ऑफ एपी बॉडी प्लान ऑफ ड्रोसोफिला। ठीक है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है माइक्रो इंजेक्शन ऑफ बाइकॉइड एमआरएनए इन द मिडिल ऑफ द बाइकॉइड डेफिशिएंट एम्ब्रियो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हेड इन द मिडिल एंड टेलसन एट द टू एंड। यस ट्रू है ये स्टेटमेंट, ये भी केस हमने देखा था। नेक्स्ट नैनोज प्रोटीन इनहिबिट द ट्रांसलेशन ऑफ कॉडल। नैनोज कॉडल के ट्रांसलेशन को रोकता है, गलत। बाइकॉइड प्रोटीन एक्टिवेट द जाइगोटिक एक्सप्रेशन ऑफ हंचबैक जीन, बिल्कुल सही। सेगमेंट पोलैरिटी जीन आर एक्सप्रेस इन द सेगमेंट ऑफ एम्ब्रियो, बिल्कुल सही। तो क्या हो गया, ए ए सी डी सही हो गया, ए सी डी यानी थर्ड ऑप्शन सही हो गया, राइट। चलो अगला सवाल, होप दिस क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन। नहीं, दो ऑप्शन पिक नहीं करना है, जब तीन के कॉम्बिनेशन वाला ऑप्शन है तो वो पिक होगा, खाली एसी पिक नहीं होगा, एसी डी पिक होगा। जब करेक्ट आंसर का कॉम्बिनेशन दिया गया है तो करेक्ट कॉम्बिनेशन पिक होगा, दो ऑप्शन पिक नहीं होंगे, रिपीट नहीं होते, रीफ्रेम होते हैं। पूरा रिपीटेड नहीं है ये, ध्यान दीजिए, आई थिंक इट इज अ रीफ्रेम क्वेश्चन, रीफ्रेम है, बाकी सब ऑप्शन रिपीटेड नहीं है, बाकी सब ऑप्शन नए बनाए गए हैं जहां तक मेरा दिमाग कह रहा है। चलो टैली करके देख लेंगे। चलिए इसका आंसर बताइए। होम्योटिक सेलेक्टेड जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग द ड्रोसोफिला बॉडी पार्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वुड यू एक्सपेक्ट इफ द यूबीएक्स जीन इज डिलीटेड। पहला है द थर्ड थोरेसिक सेगमेंट इज ट्रांसफॉर्म टू द अनदर सेकंड थोरेसिक सेगमेंट एंड फ्लाई विल हैव फोर विंग्स, बिल्कुल सही। द थर्ड थोरेसिक सेगमेंट डेवलप हॉल्टेयर, नो। द सेकंड थोरेसिक सेगमेंट लूज विंग्स, नो। द फर्स्ट एंड सेकंड थोरेसिक सेगमेंट फ्यूज एंड विंग्स आर फॉर्म्ड इन द थर्ड थोरेसिक सेगमेंट, नो। वी कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन, यस। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जरा सा हम खोजबीन कर लेते हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है या नहीं। यस, ये वाला है यूबीएक्स क्वेश्चन। देखिए सारे ऑप्शन सेम नहीं है, इसलिए मैंने कहा क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, रीफ्रेम होते हैं। इसके ऑप्शन पढ़िए, उसके ऑप्शन पढ़िए। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर सारे ऑप्शन आई मीन टू सेम नहीं है, ऑप्शंस में चेंजेस हैं। ओके,